दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे पसंदीदा टीमों में से एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर टीम के लिए इस साल का नीलामी काफी अच्छा गया। नए और पुराने खिलाड़ी मिला के 23 खिलाड़ी को एक तगड़ा टीम बना के बैठे हुए हैं। हालांकि एक नया खिलाड़ी प्रवीण तांबे बैन के कारण आईपीएल 2020 और केकेआर टीम से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट खिलाड़ी जल्दी टीम में जुड़ने वाला है। तो इस 22 खिलाड़ियों में से ऑलराउंडर को मिला के केकेआर टीम के पास 12 बल्लेबाज मौजूद है, जिनमें से 6 ऐसे खिलाड़ी है जिनको कन्फर्म रूप में प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में उन 6 खिलाड़ियों को लेकर आईपीएल 2020 के लिए केकेआर टीम के बैटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी ने काफी सारे फैंटेसी गेम खेल चुके हैं, लेकिन पॉकेट प्ले काफी अलग किस्म का एक फैंटेसी ऐप है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप में 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि आप 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करके टीम बना सकते हैं। तो टीम बनाना काफी मजेदार होता है और इस ऐप में कॉम्पिटिशन काफी कम है और आप सिर्फ 2 रुपए से लीग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको स्क्रीन में कोड दिख रहा होगा, साइन अप के टाइम इस कोड को डाल के साइन अप कीजिएगा तो आपको 50 रुपए का कैश बोनस भी मिल जाएगा। दोस्तों केकेआर टीम के इन 6 प्लेयर्स रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में है और अगर आईपीएल 2020 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाए तो टीम को फाइनल तक पहुंचाने के साथ साथ हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन सकते हैं, यानी कि ऑरेंज कैप के हकदार भी हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है शुभमन गिल। दोस्तों ये युवा बल्लेबाज केकेआर टीम में 2018 से जुड़े हुए है और केकेआर टीम ने उनको 1.8 करोड़ में खरीद चुके थे और रिटेन किए जा रहे हैं। 2019 के आईपीएल में केकेआर टीम ने उनको क्रिस लिन के साथ ओपन करने के लिए मौका दिया था और काफी अच्छा बल्लेबाजी उनसे देखने को मिला था। 2019 में 14 मैच खेल के 300 के करीब रन बनाए थे और 3 अर्धशतक के साथ एक मैच में 76 रन भी बना चुके थे। तो इस साल क्रिस लिन के ना होने पर शुभमन गिल को काफी मौका मिलेगा ओपनिंग करने की, तो केकेआर टीम उनसे अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ही सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है एक और सलामी बल्लेबाज टॉम बैटन। दोस्तों इंग्लैंड की युवा सलामी बल्लेबाज रिसेंट टाइम में काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बिग बैश लीग में उनका झलक सभी को देखने को मिल चुका है। तो केकेआर टीम को एक विदेशी इस साल काफी जरूरत थी, तो टॉम बैटन उस जगह में परफेक्ट फिट होने वाला है। और बात करें भारतीय पिचेस में उनका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, तो ये बात तो सही है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो करना ही होगा, लेकिन तेज गेंदबाज के साथ साथ पिन गेंदबाज को भी जैसे खेल लेते हैं, भारतीय पिचेस में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 3 पर नीतीश राणा। दोस्तों केकेआर फैन रिसेंट टाइम में काफी निराश है इस खिलाड़ी के केस को लेकर, लेकिन उसे अगर साइड में रखे तो ये खिलाड़ी से जिस तरह का परफॉर्मेंस 2019 में देखने को मिला था, 2020 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्रिकेट के साथ ऑल टाइम टचेस में रहते हैं और 2019 में जब ही केकेआर टीम के अपर ऑर्डर फ्लॉप जा रहे थे, नीतीश राणा काफी मैचेस में अकेले दम पर रन बना के दिए थे और इसीलिए 14 मैचेस में 344 रन के साथ 3 विकेट भी ले चुके थे। तो ये खिलाड़ी अगर सस्पेंड या बैन ऐसा कुछ नहीं हुए तो 100% उनका नाम ऑरेंज कैप के लिस्ट में रहने वाले है। उसके बाद नंबर 4 पे इंग्लैंड के कप्तान ओएन मर्गन। दोस्तों 2019 में केकेआर टीम के मिडिल ऑर्डर समस्या देखने के बाद केकेआर को एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सख्त जरूरत थी और इसीलिए ओएन मर्गन को खरीद चुके हैं। ओएन मर्गन काफी टाइम से क्रिकेट में है और एक ऐसा खिलाड़ी है जो विश्व क्रिकेट में दोनों टीम के लिए खेल चुके हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी है जिसका अनुभव 2020 में केकेआर टीम के काफी काम आने वाले है। 2019 के वर्ल्ड कप में एक मैच में 19 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि केकेआर टीम के मिडिल ऑर्डर काफी आराम से इस खिलाड़ी संभल पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 5 पे दिनेश कार्तिक। दोस्तों मानता हूँ दिनेश कार्तिक का कप्तानी 2019 में कुछ खास नहीं थी, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनका परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं है। अभी रिसेंट टाइम में वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जिनका झलक हमें विजय हजारे ट्रॉफी और शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखने को मिल चुका है। कप्तानी का एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन 2020 में एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ उतरने वाले है और उनके मदद के लिए एक्सपीरियंस कप्तान ओएन मर्गन भी रहने वाले है। और आखिर में नंबर 6 पे आंदे रसेल। दोस्तों इस खिलाड़ी को देखते ऐसा लगता है कि T20 में गेंदबाजों को 4 छक्के मारने के लिए तैयार है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खतरनाक पारी खेल के कप्तान आंदे रसेल ने अपने टीम को बीपीएल का चैंपियन बना चुके हैं। सेमीफाइनल के एक मैच में उन्होंने सिर्फ 22 बॉलों में 54 रन बनाकर अपने टीम को फाइनल तक पहुंचा दिए थे और अब ऐसा फॉर्म में देखने के बाद लग रहा है कि आईपीएल में भी केकेआर टीम के लिए ऐसा ही कुछ कमाल करने वाला है और इस खिलाड़ी के नाम ऑरेंज कैप के लिस्ट में जरूर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे 6 ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो आईपीएल 2020 में केकेआर के बल्लेबाजी को आगे रखने वाले हैं और इनमें से कोई एक ऑरेंज कैप होल्डर भी बन सकते हैं। और दोस्तों टीम में और भी खिलाड़ी है जैसे कि राहुल त्रिपाठी, क्रिस ग्रीन, सुनील नारिन, जिनको मौका मिले तो अच्छा खासा बल्लेबाजी भी दिखा सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आईपीएल 2020 में इनमें से कौन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।